किस गड्डी के नाल दी सुना दोबारा से ਦੀ ਬੂਟੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਵੇ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈਲੋ एवरीवन तो वेलकम बैक ਕੈਨ ਬੋਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ एवरीवन ਬੋਲਣਾ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਗਈ ਮਮਾ एवरीवन ਬੋਲਣਾ ਹੈਲੋ एवरीवन ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ तो आज है संडे का दिन और अभी हम लोग जा रहे हैं धाम खाने के लिए और आज ये एक पंगा ही है कि हमारे यहाँ पर लाइट ही नहीं है। संडे के दिन शट डाउन था और हमें पता नहीं था और मेरे बाल भी आज बहुत गंदे लग रहे हैं। मुझे पहले पता होता कि कल लाइट नहीं होती तो मैं रात को भी थोड़े बालों का कुछ करके रखती, लेकिन लाइट नहीं है तो चलो ये भी एक सीख होगी कि लाइट ना हो तो फिर आपको पहले से ही अपनी थोड़ी तैयारी रखनी चाहिए। तो बस अभी तैयारी हो रही है शुरू और लाइटिंग मैंने जो इमरजेंसी बल्ब जो होते हैं हमारे घर में वो लगा के शूट कर रही हूँ थोड़ा बहुत जहाँ जितना हो सकेगा अभी। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है बट ऐसा है कि हम अभी नहाए हैं तो थोड़ी गर्मी कम लग रही है, नहीं तो गर्मी में तो बहुत पंगा है। बच्चों को मैंने नहा दिया और खुद भी नहा बैठे थे और धाम कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ। धाम जो है मेरे मायके के पास में ही है, वहाँ पर जा रहे हैं हम, मैं और बच्चे उसमें के पापा, और ये येलो सूट मैं सेकंड टाइम ला रही हूँ आज। पता नहीं आपको फ़ोन में क्लैरिटी कैसी लग रही होगी आज क्योंकि लाइट के बिना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे। तो ब्रश के साथ तो मैंने थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा लिया, थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। किस गड्डी के नाल दी सुना दोबारा से आप क्यों नहीं चले धाम खाना भाई माते धाम खाना क्यों नहीं चले मम्मी की तबीयत आलू खा के खराब हो गई है आलू खा के नहीं ऐसे भी खराब है तो मम्मी ने तो लाइट भी नहीं था फिर पंखे बगैर क्या सोंगे आज बम बम लाइट 10 बजे की ये 6 बजे आनी है। ट्रैक्टर तो आज दादू दादी को बाय करके आओ गो बाय किसी भी अगर दा
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यहाँ पर गाड़ियों का लग गया है ट्रैफिक जैम। तो खरे की तठण कल गई थी आज चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा रश है, लोग बहुत ज़्यादा है और संडे है। और वहाँ पे इतना बड़ा सुंदर सा पेड़ है, पर्पल कलर के फ्लावर लगे हैं इसमें, ब्यूटीफुल। शोहित को लगी नींद, नींद लगी रहा तू? सो गए नहीं, लेकिन सोने वाला है, आगे रुक देना। चलो सिमे चल। हाँ जी, ये हमारा हरिपुर बस स्टैंड, यहाँ पर बस रुकती है रोज। अच्छा जल्दी खाया है भला, अच्छा जल्दी चल गए थे ना। तो यहाँ पर मेरे मायके भी सभी ने जो गेहूं का काम है वो कर लिया है। ये देखो यहाँ पर गेहूं उठा रखा, और यहाँ पर ये सब्जियाँ वगैरह लगाना शुरू भी कर दिया है, फ्रासबीन वगैरह, भिंडी, मिर्चे, और यहाँ पर कणक की गुआई भी हो गई। और अभी चाची और मैं जा रहे हैं उनके खेत में, किचन गार्डन में, क्योंकि वो मुझे मिर्ची की बूटियां देने वाले हैं। वैसे तो हमने लगाई है घर में, लेकिन देखते हैं इन्होंने क्या क्या लगाया इस बार किचन गार्डन में अपने। वो ये भिंडियां चाची की निकल आई है, और ऊपर लगी है फ्रासबीन, बीन की सब्जी जो होती है वो। और वहां पर ये साग अभी तक ना। हल्के मी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते, बाबू नमस्ते। ये लगे बस, ओ बस बड़ी है। मैं थोड़ी ना तिमरे बूटी पाई दी जड़ी ले जे दौड़ा तिमरे लगी मुंग ए दिला रही तू पनीर ये तो ए थोड़ी थोड़ी तक मुल खंडा आई पा ना एक दो डाली पाओ ना लगदी भी लाल हाथ ते करे हुंदे भी ओ कोड़ी बूटी लाए तिमरे दी फैले हुई है धोला है तिमर दे आना हाँ तो बूटी लगाने के बाद लगती मेले तुझे लगा दे आओ। अबे लगना हाथ का लगाना ताई लगना पता लग गया था कि नहीं लगना लगी ना और लग जाना पता छोटी छोटी लाओ टिम्बर दी बूटी अगली बारी देरी मेहंदी लगाई किराना मैं अभी मतलब पहले लगी थी पीछे घर पीछे सब्जी तुम्हारी खास कर सब लगी आई मतलब खाने का गुजारा बड़ा बैंगन भट्ठे छट्टे निकली आए मिर्चा तुझे भी नहीं लगाई अल ध्यान से हवा क्यों चली ये टाइम दी अब लगाएंगे घर जाकर बूटियां। तो अभी शाम के टाइम हम लोग आ गए थे घर वापस, और अभी टाइम हुआ है शाम के 7 बजे का। और यहाँ पर हमारे गांव में जो है वो कनक का काम शुरू हुआ है। हमारे सामने भी ट्रैक्टर लगा है जहाँ पर वो लगे हैं, और अब शाम की रूटीन शुरू करने का भी टाइम है। और मैं बस अभी
किचन की क्लीनिंग और बनाऊंगी रात का खाना। और शायद मेरी वॉइस थोड़ी कम सुनाई दे जाएगी क्योंकि ट्रैक्टर एकदम सामने लगा है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ लगा है, वो शायद आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, यहाँ पर लगा है। और ये हमारे सामने का खेत भी खाली हो गया है, उसका भी सारा काम हो गया, और जो वहाँ के ऊपर वाले खेत है वो भी सारे आज यहाँ पर गुआई। क्या बोलते बताओ, मेरे को नहीं पता, अभी तो मैं हंस रहा था, हंस रहे थे ना मेरे ऊपर, तब पीछे खड़े होकर कनक गा रहे हैं। हम तो नहीं गा रहे लेकिन गांव वाले गा रहे हैं, ऐसे बोलो। हम सभी गा रहे हैं कनक। हाँ, हम सभी गा रहे हैं कनक। तो इस बार हमने तो नहीं लगाए थे, लेकिन ऐसा है कि और गांव वाले कर रहे हैं काम खेत का। और जो मैं मिर्ची की बूटियां लाई थी वो मम्मी पापा गई है खेत में लगाने के लिए, अपने चाचू के पास, और जा रही है वो। बच्चों देख लिया क्या बोल रही है, हैंड वॉश नहीं कितने इसने में। चलो जी, तो आज का वीडियो करूंगी यहीं पे मैं क्लोज, और करती हूँ शाम का काम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक भी करना है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।